अभी जिस फिल्म का हम लोग डबिंग कर रहे हैं उसका नाम है हमार स्वाभिमान, जो कि पवन जी के साथ है। और इस फिल्म में मैं बहुत चुलबुली सी कैरेक्टर निभा रही हूँ, जो कि मैं उनकी भैया की साली हूँ। और बाकी फिल्म आप लोग देखिएगा तब बताएंगे इतना ही बता सकते हैं तो फिलहाल क्या स्टेटस है पिक्चर का मैडम? फिल्म पूरी हो गई है और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है या ज्यादा कुछ बाकी है? अभी कुछ ज्यादा ही बाकी है, अभी डबिंग ही चल रहा है। अभी मेरा फर्स्ट डबिंग है, बाकी पवन जी का बाकी है जी। सबसे पहले आपकी डबिंग हुई किरदार के बारे में थोड़ा और कुछ एलिबरेट कीजिए। बेसिकली क्या किरदार है जो भाई आपने बताया भैया की साली है, लेकिन फिलहाल कैसी है ये? चुलबुली है, नटखटी है? बहुत चुलबुली है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जाती हूँ दीदी के घर पे, तो दीदी का देवर और काफी रहता है ना ऐसा कुछ, तो पवन जी को छेड़ना, हर हर मतलब मोमेंट पे छेड़ते रहना होता है। प्यार हो जाता है मुझे, एक तरफा प्यार हो जाता है उनसे, और बस यही चलता रहता है हम लोग का छेड़खानी वाला। तो ये प्यार परवान चढ़ता है या नहीं? प्यार परवान नहीं चढ़ता, हर सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है, वही हाल है मीरा का प्यार अधूरा। अच्छा, तो मीरा बेसिकली आप फिल्म में जो है वो मीरा जैसा किरदार है जिसका प्यार अधूरा है। हाँ यही कह सकते हैं, हाँ कि एक तरफा प्यार है, मैं इनसे प्यार करती हूँ, उनसे प्यार करते हैं। अच्छा मैडम, अगर आपकी मैं मानूं बतौर एक्ट्रेस, कब तक फिल्म स्वाभिमान जो है ये थिएटर्स में आ जाएगी? आई थिंक मार्च अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक, यहाँ के प्रोड्यूसर यहीं बैठे हुए हैं जी। शूटिंग के बारे में बहुत सारे हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि शूटिंग का कोई किस्सा याद है, कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई बड़ी शानदार चीज हुई हो, यादगार किस्सा हो तो जरा हमें बताएं। बहुत ही यादगार है शूटिंग का यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे जब प्रतापगढ़ में, तो आई थिंक राम जी आप आए थे वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कि कौन इस पिक्चर में कौन क्या गया। हमें पता था कि मतलब मैं ये किरदार निभा रही हूँ, और नहीं पता था कि कौन हीरोइन क्या है। तो एक किस्सा ऐसा हुआ था कि एक आर्टिस्ट है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, सामने ही बैठे हुए हैं वो, तो उन्हीं की हीरोइन थी, उनके लिए कम से कम 5-6 हीरोइन मंगाया गया, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, एक हो रही है चेंज तो एक हो रही है चेंज। बाकी आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जाके कि क्यों ऐसा चेंज करवा रहे थे। यही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इतनी सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही है, एक बंदे के लिए इतनी सारी क्यों, बाकी तो हम लोग फिक्स ही थे। बस यही इंटरेस्टिंग, और मजा आ रहा था शूट करने में, काफी अंजना जी के भी साथ, पवन जी के साथ मजा आ रहा था।